नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मोहित टेक्निकल साइट पर। आज का टॉपिक, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको फैक्ट, टेक्निकल अपडेट्स और जॉब अपडेट्स की सारी जानकारी दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब बात करेंगे पहले तो पैन कार्ड क्या होता है। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 कैरेक्टर का होता है। ऐसा कुछ इस पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर शो होगा। यहाँ पर 10 डिजिट का ये पैन कार्ड नंबर होता है। इसे इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। अब जान लेते हैं आधार कार्ड क्या होता है। आधार कार्ड 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको इशू करती है। आधार कार्ड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होता है कहीं भी इंडिया में। अब जान लेते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक क्यों करना जरूरी है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन्स, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। पैन कार्ड एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है KYC के लिए, बैंक में बैंक अकाउंट और कार, जिससे कि अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाएंगे तो अगर आप पैन कार्ड को KYC के लिए बैंक, तो आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक कर देगा। इससे इनकम टैक्स के लिए आसानी हो जाएगी कि आप किस तरीके से की ट्रांजेक्शन करते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं, किस मेथड से करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया है पैन कार्ड को लिंक करना आधार कार्ड से। चलिए, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो क्या उनका पैन कार्ड जो है इनवैलिड माना जाएगा। अगर सेक्शन 139A के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ, पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा अगर उसे आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। इसकी लास्ट डेट आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको ज़रूरी ही है आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर मेरे पास आधार कार्ड है ही नहीं तो क्या मेरा पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा अगर मैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता हूँ तो। इस केस में ये भी कहा गया है कि अगर आपका आधार कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपका पैन कार्ड ही सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए मान्य होगा, आधार कार्ड नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.incometaxindiaefiling.gov.in पर। उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा आपको। इसके बाद आपको लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करना है, जो लेफ्ट साइड में आपको शो होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जो आपका नाम लिखा होगा आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे, वो आपको वहाँ पर जो बॉक्स आपको स्पेस प्रोवाइड होंगे वहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद अगर सिर्फ आपके आधार कार्ड पर ईयर मेंशन है तो उसमें जो, जैसे कि ये इंटरफेस आपको शो हो रहा है, अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ ईयर मेंशन है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, ये आपको कैप्चा डालना है यहाँ पर, और उसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। अगर आप विजुअली चैलेंज पर्सन हैं तो आप OTP के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, जिसमें लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग इज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। तो इससे ये शो होगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो गया है। इसके बाद अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ना करते हुए भी आप दूसरे मेथड से भी आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इन दो नंबर पर SMS करना है UID पैन लिखकर, अपने स्पेस देकर, फिर 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, फिर स्पेस देकर 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर डालना है, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप डालेंगे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सेंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक और मैसेज शो होगा, उसमें आपका वहाँ पर लिख कर आएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है। कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसमें कौन कौन सी दिक्कत आती है
अगर उनका फोन नंबर आधार कार्ड में अपडेटेड नहीं है तो ऐसी दिक्कत आ सकती है, जिससे कि अगर उनका पैन कार्ड में और आधार कार्ड में उनका फ़ोन नंबर मैच नहीं करता है तब ऐसी दिक्कत आती है कि उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाता है। अगर पैन कार्ड में और आधार कार्ड में जेंडर अलग अलग है तब ये दिक्कत आती है। और अगर आपने डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में और आधार कार्ड में अलग अलग करवा रखी है तो तब ये दिक्कत आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में सारी चीज़ें सेम हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर से करें और चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स, ऐसी ही सारी अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।